शो कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिहार सरकार के मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि आप सभी घर पर सुरक्षित होंगे और पढ़ाई को एंजॉय भी कर रहे होंगे जो दूरदर्शन के माध्यम से हम आपके पास लेकर आ रहे हैं। बच्चों आप सभी को याद तो है ना कि आपको अपना कॉपी और कलम लेकर के बैठना है और इम्पोर्टेंट चीजों को नोट करते जाना है और साथ ही में एपिसोड देख लेने के बाद अपने किताब से सवालों को जरूर हल करना है। आपके किताब में जो भी सवाल दिए गए हैं उनको जरूर हल करना है और पाठ को भी अपने किताब से पढ़ना है। तो आइए समय व्यर्थ ना करते हुए देखते हैं आज के एपिसोड में हम क्या पढ़ेंगे। आज के एपिसोड में कक्षा 11 के गणित में एक नया पार्ट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले हैं हम। उसके बाद बायोलॉजी में हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। कक्षा 11 की पढ़ाई हो जाने के बाद हम कक्षा 12 की पढ़ाई शुरू करेंगे और उसमें हम मैथ्स में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे। ये एक नया पार्ट है जो हम आज शुरू करने जा रहे हैं और बायोलॉजी में प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पार्ट को और आगे पढ़ेंगे। तो समय व्यर्थ ना करते हुए चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्रमचय एवं संचय भाग 3। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रमचय पे उदाहरण। क्रमचय जब सभी वस्तुएं भिन्न भिन्न ना हो। अब हम क्रमचय पर कुछ उदाहरण देखेंगे। उदाहरण 1, मान निकालिए 7 factorial - 5 factorial। हमें पता है 7 factorial बराबर होगा 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 जो कि बराबर होगा 5040 के। उसी प्रकार 5 factorial बराबर होगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1 जो कि बराबर होगा 120 के। अब इसे ऊपर वाली संख्या में डाल देते हैं तो यह आएगा 5040 - 120 जो कि बराबर होगा 4920 के। चलिए अब अगला उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण 2, नंबर शब्द में 3 अक्षरों से बने शब्दों की संख्या ज्ञात कीजिए। पहला पार्ट, जब पुनरावृत्ति की अनुमति ना हो। तो यहां देख लेते हैं, नंबर शब्द में कुल शब्द हुए n = 6 और क्योंकि 3 अक्षरों से बने शब्दों की संख्या ज्ञात करनी है तो r = 3। अब दोस्तों यदि आपको स्मरण होगा पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था जब पुनरावृत्ति की अनुमति ना हो तो सूत्र होगा npr। तो यहाँ n और r की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें मिलेगा 6p3 जो कि बराबर होगा 6 factorial / 6 - 3 factorial जो कि 120 के बराबर। दूसरा पार्ट देखते हैं, जब पुनरावृत्ति की अनुमति हो यानी n = 6 तथा r = 3 और इस केस में सूत्र होगा n/r जो कि होगा
6 क्यूब बराबर 216। क्रमचय जब सभी वस्तुएं भिन्न भिन्न ना हो। मान लीजिए दोस्तों, हमारे पास एक वर्ड है इंस्टीट्यूट। अब इसमें आई की पुनरावृत्ति 2 बार हुई है तथा टी 3 बार आया है। एन की वैल्यू होगी 9, क्योंकि इंस्टीट्यूट शब्द में टोटल 9 अक्षर हैं। अतः क्रमचयों की संख्या हुई 9 factorial भाग 2 factorial गुणा 3 factorial, क्योंकि आई 2 बार आया है और टी 3 बार आया है। अब देखते हैं उदाहरण 3। एक से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितनी 4 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं, यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। हल देख लेते हैं। 1 से 9 तक के कुल अंक हुए 9, और एक साथ हमने जो अंक लेने हैं वे हुए 4। अतः n की वैल्यू हुई 9 और r की वैल्यू हुई 4। तो जब पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है तो सूत्र हुआ NPR, यानी 9P4 बराबर 9 factorial भाग 9-4 factorial, जो कि बराबर है 3024 के। उदाहरण 4 देख लेते हैं। डॉटर शब्द के अक्षर से 8 अक्षर वाले विन्यासों की संख्या ज्ञात कीजिए, यदि पहला पार्ट सभी स्वर एक साथ हो और दूसरा पार्ट सभी स्वर एक साथ नहीं हो। तो पहले हल 1 देख लेते हैं। डॉटर शब्द में कुल अक्षर हुए 8, यानी n बराबर 8। अब यहां 5 व्यंजन है, जो कि है डी जी एच टी आर, और 3 स्वर हैं, जो कि हैं ए यू और ई। अब हम यहां तीनों स्वरों को एक ही अक्षर मानकर चलते हैं, क्योंकि हमसे प्रश्न में पूछा गया है कि यदि सभी स्वर एक साथ हों, यानी एक अक्षर। और आप ध्यान दीजिए दोस्तों, यह 3 अक्षर ए यू और ई अपने स्थानों पर 3 factorial तरीकों से अरेंज हो सकते हैं। तो इन 6 वस्तुओं यानी 5 व्यंजन और 1 स्वर अर्थात 6 से क्रमचय बनाने के तरीके हुए 6P6। तो गुणन सिद्धांत के अनुसार क्रमचयों की संख्या हुई 6P6 गुणा 3 factorial, जो कि बराबर है 4320 के। अब अगला पार्ट देखते हैं। जब सभी स्वर एक साथ नहीं हो, तो सभी 8 अक्षरों से बने शब्दों की संख्या होगी 8P8, यानी कि 8 factorial, जो कि बराबर है 40320 के। हम दोस्तों यहां पर टोटल शब्दों की संख्या में से स्वर जब 7 हैं उन्हें घटा देंगे तो वह मिल जाएगा जो हमें प्रश्न में पूछा है, यानी जब सभी स्वर एक साथ ना हो। अर्थात जब सभी स्वर एक साथ हो तब 8 अक्षरों से बने शब्दों की संख्या 4320 है।
अतः ऐसे 8 अक्षरों के बने शब्दों की संख्या जिनमें स्वर एक साथ ना हो बराबर 40,320 माइनस 4,320 जो कि बराबर है 36,000 के। इस वीडियो में हमने सीखा क्रमचय के उदाहरण, क्रमचय जब सभी वस्तुएं भिन्न भिन्न ना हो। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रमचय और संचय में फर्क, संचय तथा कुछ विशेष विधियां। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आज हम पौधों के परिवहन में कुछ और विषयों के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लंबी दूरी तक जल का परिवहन, पौधे जल को कैसे अवशोषित करते हैं और पौधों में जल का ऊपर की ओर गमन। लंबी दूरी तक जल का परिवहन। लंबी दूरी तक पदार्थों का परिवहन केवल विसरण द्वारा नहीं हो सकता है। विसरण एक धीमी प्रक्रिया है। यह छोटी दूरी तक अणुओं को पहुंचाने में कारगर है। बड़े एवं जटिल जीवों में बहुओं पदार्थों का परिवहन लंबी दूरी तक होता है। कभी कभी उत्पादन या अवशोषण एवं संग्रहण के स्थान एक दूसरे से काफी दूर होते हैं, अतः विसरण एवं सक्रिय परिवहन काफी नहीं है। इसीलिए विशिष्ट व्यापक दूरी का परिवहन तंत्र आवश्यक हो जाता है, ताकि आवश्यक पदार्थ निश्चित रूप से तीव्र गति से पहुंच सके। जल, खनिज तथा भोजन सामूहिक प्रणाली द्वारा परिवहन करते हैं। सामूहिक या थोक प्रवाह में पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन दो बिंदुओं के बीच दाब की भिन्नता के परिमाण स्वरूप होता है। सामूहिक प्रवाह की एक विशिष्टता है कि पदार्थ चाहे घोल हो या निलंबन नदी के प्रवाह की तरह ही बहता है।
यह विसरण से भिन्न होता है, जहां पर भिन्न पदार्थ अपनी सांद्रता प्रवणता के अनुसार स्वतंत्र रूप से परिवहनित किए जाते हैं। थोक प्रवाह को तो घनात्मक जलीय दाब प्रवणता या ऋणात्मक जलीय दाब प्रवणता के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। पदार्थों को पादपों में स्वनहनि उत्तकों के द्वारा थोक या सामूहिक गति को स्थानांतरण कहते हैं। पौधे जल को कैसे अवशोषित करते हैं? इसके दो भिन्न पथ निम्न है। पहला है एपोप्लास्ट पथ और दूसरा है सिम्प्लास्ट पथ। एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पथ। एपोप्लास्ट पथ के बारे में जानते हैं। इस चित्र में जो बैंगनी रंग के एरो है वो एपोप्लास्ट पथ को दर्शाते हैं। एपोप्लास्ट निकटवर्ती कोशिका भित्ति का तंत्र है। जड़ों के अंतस्त्वचा में मौजूद कैस्पेरियन पट्टी को छोड़कर पूरे पौधे में फैला रहता है। जल का एपोप्लास्टिक परिवहन केवल अंतरकोशिकीय जगहों और कोशिकाओं की भित्ति में उत्पन्न होता है। एपोप्लास्ट के माध्यम से होने वाले परिवहन कोशिका झिल्ली को पार नहीं करते, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। ये पथ कोशिका झिल्ली को पार नहीं करता है। एपोप्लास्ट जल के परिवहन में कोई भी बाधा नहीं डालता है और जल परिवहन सामूहिक प्रवाह के माध्यम से होता है। जैसे ही जल अंतरकोशिकीय गुहा या वातावरण में वाष्पित होता है, एपोप्लास्ट के सतत जल प्रवाह में तनाव उत्पन्न हो जाता है। अतः असंजक व संशक्तिशीलता के कारण जल का सामूहिक प्रवाह होता है। अब हम पढ़ेंगे सिम्प्लास्ट पथ के बारे में। सिम्प्लास्टिक तंत्र अतः संबंधित जीव द्रव्य का तंत्र है। पड़ोसी कोशिकाएं कोशिका लड़ी से जुड़ी होती है, जो जीव द्रव्य तंतु एक विस्तृत रूप से फैली रहती है। सिम्प्लास्टिक परिवहन में जल कोशिकाओं के जीव द्रव्य के माध्यम से तथा अंतरकोशिकीय परिवहन में ये जीव द्रव्य तंतु के माध्यम से आगे बढ़ता है। सिम्प्लास्टिक परिवहन में कोशिका द्रव्य परिवहन सहायता करता है। कुछ पौधों में अतिरिक्त संरचनाएं जुड़ी होती है जो उन्हें जल एवं खनिजों के अवशोषण में मदद करती है। माइकोराइजा जड़ के साथ फफूंदी का सहजीवी संगठन है। फफूंदी या कवक तंतु नई जड़ों के आसपास नेटवर्क बनाते हैं या फिर वे मूल कोशिका में प्रवेश कर जाते हैं। कवक तंतु का एक बड़ा व्यापक तल क्षेत्र होता है जो भूमि से खनिज आयन एवं जल के मूल से अधिक मात्रा में अवशोषित कर लेता है। पौधों में जल का ऊपर की ओर गमन ये दो प्रकार से होता है, पहला मूल दाब और दूसरा वाष्पोत्सर्जन खिंचाव। इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। मूल दाब, जैसे कि मृदा के विभिन्न आयन सक्रियता के साथ जड़ों की संवहनी उत्तकों में परिवहनित होते हैं, तो जल भी इसी प्रक्रिया के अनुसरण अपनी विभव प्रवणता से करता है तथा जाइलम के अंदर दाब बढ़ाता है। ये घनात्मक दाब ही मूल दाब कहलाता है और तने में कम ऊंचाई तक जल को ऊपर भेजने के लिए उत्तरदायी होता है। यह हम कैसे देख सकते हैं? इसके लिए छोटा सा नरम तने वाला पौधा चुनें और जिस दिन वातावरण पर्याप्त आर्द्रता पूर्ण हो उस दिन प्रातःकाल के समय तने के नीचे क्षैतिज दिशा में तीखे ब्लेड से काट दे। आप जल्द ही देखेंगे कि उस कटे हुए तने पर द्रव की कुछ मात्रा ऊपर की ओर उठती है। ये द्रव सकारात्मक मूल दाब के कारण आता है। यदि आप उस तने में एक रबड़ की पतली नली चढ़ा दे तो आप वास्तव में सावर की दर माप सकते हैं और स्रावित द्रव के कारकों की संरचना जान सकते हैं। मूल दाब का प्रभाव रात तथा सुबह के समय भी देखा जा सकता है। जब वाष्पीकरण की प्रक्रिया कम होती है और अतिरिक्त पानी घास के तिनकों से नोक पर विशेष छिद्रों से
स्रावित जल बूंदों के रूप में लटकने लगता है। इस प्रकार द्रव के रूप में पानी का क्षय बिंदु स्राव या गटेशन कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन खिंचाव। प्राणियों की भांति पौधों में परिसंचरण तंत्र नहीं होता, इसके बावजूद जाइलम के माध्यम से जल का ऊपरी बहाव पर्याप्त उच्च दर से लगभग 15 मीटर प्रति घंटे तक हो सकता है। यह गति कैसे होती है? यह एक पेचीदा सवाल आज तक ही बना हुआ है। पौधों के द्वारा पानी ऊपर की ओर धकेला जाता है या फिर ऊपर से खींचा जाता है। अधिकतर शोधकर्ता सहमत है कि पौधों द्वारा पानी मुख्यतः खींचा जाता है और इसकी संचालन शक्ति पत्तों में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया का परिणाम है। इसके जल परिवहन का संयोजन तनाव वाष्पोत्सर्जन खिंचाव मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। पौधों में जल अस्थाई होता है। प्रकाश संश्लेषण एवं वृद्धि के लिए पत्तियों में पहुंचने वाला पानी 1% से भी कम प्रयोग किया जाता है। पानी की अधिकतर मात्रा पत्तियों से रंध्र द्वारा उड़ा दी जाती है। जल की यही क्षति वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। इस वीडियो में हमने सीखा लंबी दूरी तक जल का परिवहन, पौधे जल को कैसे अवशोषित करते हैं और पौधों में जल का ऊपर की ओर गमन। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपीरेशन के बारे में कुछ और बातें और वाष्पोत्सर्जन एवं प्रकाश संश्लेषण एक समझौता। धन्यवाद। कोरोना से डरे नहीं, एहतियात बरते। वैसे तो स्वच्छता और व्यक्तिगत साफ सफाई हर समय जरूरी है, लेकिन अभी कोरोना महामारी फैलने के दौर में यह एकदम आवश्यक हो गई है। बस यह जानने की जरूरत है कि साफ सफाई करने के दौरान आप किन बातों के प्रति विशेष तौर पर सजग रहें। आइए इसे बिंदुवार समझ लें।
हाथ को अच्छी तरह से साबुन पानी या हैंड वॉश से कम 20 सेकंड तक धोएं या अल्कोहल सैनिटाइजर से साफ करें। होटल या किसी कार्यालय में जाएं तो वहां उपलब्ध हैंड वॉशिंग प्रोटोकॉल के अनुसार अपने हाथों को साफ करें। कोरोना संक्रमित या कोरोना संदिग्ध व्यक्ति या खांस छींक रहे व्यक्ति से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। भीड़भाड़ में मास्क लगाए रखें या मुंह नाक को ढक कर रखें। यदि घर में कोरोना संक्रमित व्यक्ति क्वारंटाइन में है तो उसके व्यक्तिगत उपयोग की चीजों जैसे बर्तन, ग्लास, कप, तौलिया, बिस्तर का इस्तेमाल न करें। फर्श और अन्य सतहों को घर में रोजाना प्रयोग किए जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाइल से साफ करते रहें। शौचालय को भी घर में रोजाना प्रयोग किए जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाइल से साफ करते रहें। ऑनलाइन सामान मंगाने पर डिलीवरी करने वाले व्यक्ति नियमित आने वाले घरेलू सामान जैसे दूध, अखबार इत्यादि के लिए सुरक्षात्मक तरीके अपनाएं। बस, ट्रेन, ऑटो, टैक्सी, दुकान के काउंटर के संपर्क में आने पर भी एहतियात बरतें। जनहित में जारी राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार, अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें टोल फ्री नंबर 104। नमस्कार दोस्तों, आज हम अपना पार्ट ऑफ कलच के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स का एक नया अध्याय पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। स्पर्श रेखाएं और अभिलंब यानी टैंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, सन्निकटन यानी अप्रोक्सीमेशन, उच्चतम और निम्नतम यानी मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो चलिए दोस्तों अपना पाठ शुरू करते हैं। स्पर्श रेखाएं और अभिलंब। दोस्तों स्मरण कीजिए कि एक दिए हुए बिंदु x0, y0 से जाने वाली तथा परिमित प्रवणता यानी स्लोप m वाली रेखा का समीकरण हम y-y0 = m का गुणन x-x0 से प्राप्त करते थे। तो दोस्तों साथ ही वक्र अगर हमारे पास है कुछ y = fx के बिंदु x0, y0 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता dy/dx का मान x0, y0 रखने पर, जिसे हम f'x0 भी कहते हैं, इसे दर्शाई जाती है। इसलिए दोस्तों x0, y0 पर वक्र की स्पर्श रेखा का समीकरण होता है y-y0 = f'x0 का गुणन x-x0 से। आगे देखते हैं दोस्तों, अभिलंब स्पर्श रेखा पर लंब होता है, यानी आकृति में आप देख सकते हैं कि आपके पास एक वक्र है जहां पर आपके पास A पर आप स्पर्श रेखा देख सकते हैं और A पर आप अभिलंब रेखा भी देख सकते हैं। तो साथ ही दोस्तों y = fx के x0, y0 पर अभिलंब की प्रवणता होती है -1/f'x0। चूंकि f'x0 शून्य के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए वक्र y = fx के बिंदु x0, y0 पर अभिलंब का समीकरण निम्नलिखित है, यानी इस प्रकार से है y-y0 = -1/f'x0 का गुणन x-x0। इसको हम और अच्छे से लिख सकते हैं दोस्तों, y-y0 का गुणन f'x0 + x-x0 = 0। आगे देखते हैं दोस्तों, कुछ विशेष स्थितियां हैं दोस्तों। पहली है, यदि स्पर्श रेखा की प्रवणता 0 है तब tan θ = 0 है, और इस प्रकार θ = 0, जिसका अर्थ है कि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। इस स्थिति में x0, y0 पर स्पर्श रेखा का समीकरण केवल y = y0 हो जाता है। दूसरा है दोस्तों, यदि थीटा हमारा π/2 हो रहा है तब tan θ हमारा अनंत की तरफ जाएगा, जिसका अर्थ है कि स्पर्श रेखा x अक्ष पर लंब है, y अक्ष के समांतर है। इस स्थिति में x0, y0 पर स्पर्श रेखा का समीकरण x = x0 होता है। आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा दोस्तों। चलिए अब एक उदाहरण करते हैं। x = 2 पर वक्र y = x³ - x स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए, यानी स्लोप निकालना है दोस्तों यहाँ पर।
दिए वक्र की x बराबर 2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता हम इस प्रकार से निकालेंगे कि dy बटा dx का मान x बराबर 2 रखने पर हमें मिलेगा, यानी 3x स्क्वायर माइनस 1 का मान x बराबर 2 रखने पर, जो कि है 11 के बराबर। आगे देखते हैं दोस्तों, एक दूसरा उदाहरण है। अब वक्र y बराबर x माइनस 7 बटा x माइनस 2 का गुणन x माइनस 3 के उन बिंदुओं का स्पर्श रेखाएं ज्ञात कीजिए जहां यह x अक्ष को काटती है। चलिए इसे हल करते हैं। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि अक्ष पर y बराबर 0 होता है, इसलिए जब y बराबर 0 वक्र के समीकरण से x बराबर 7 प्राप्त होता है, इस प्रकार वक्र x अक्ष को 7, 0 पर काटता है। अब दोस्तों वक्र के समीकरण को x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें मिलेगा dy बटा dx बराबर 1 माइनस y का गुणन 2x माइनस 5 बटा x माइनस 2 का गुणन x माइनस 3। आगे देखते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों dy बटा dx हम 7, 0 पर मान निकालेंगे तो हमें मिलेगा 1/20। इसलिए दोस्तों स्पर्श रेखा की प्रवणता हो जाएगी 7, 0 पर 1/20 के बराबर। अतः 7, 0 पर स्पर्श रेखा का समीकरण हो जाएगा y माइनस 0 बराबर 1/20 x माइनस 7 के बराबर, जिसे हम हल करेंगे तो हमें मिलेगा 20y माइनस एक्स प्लस 7 बराबर 0। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और सन्निकटन यानी अप्रोक्सीमेशन के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों हम सबसे पहले एक उदाहरण लेते हैं कि अंडर रूट 36.6 का सन्निकटन करने के लिए अवकल का प्रयोग कीजिए। चलिए इसे हल करके ही सीखते हैं कि सन्निकटन कैसे निकालते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम y बराबर अंडर रूट एक्स लेंगे, जहां x का मान होगा 36, और मान लीजिए कि डेल्टा x बराबर है 0.6 के, यानी हमने x का मान लिया है 36 और अपना 36.6 में डेल्टा 6 हमने लिया है 0.6। अब आगे देखते हैं दोस्तों, इससे हमें डेल्टा y हमें मिलेगा दोस्तों अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा x माइनस अंडर रूट एक्स। इसका मान निकालेंगे दोस्तों तो वह हमें मिलेगा अंडर रूट 36.6 माइनस अंडर रूट 36, जो कि बराबर होगा अंडर रूट 36.6 माइनस 6 के। अब दोस्तों हम देख सकते हैं कि अंडर रूट 36.6 बराबर हो जाएगा 6 प्लस डेल्टा y के। अब डेल्टा y सन्निकटा dy के बराबर है और निम्नलिखित से प्रदत्त है, जैसे dy बराबर हो जाएगा dy बटा dx का गुणन डेल्टा x के साथ, जो कि मिलेगा 1/2 रूट x का गुणन 0.6, क्योंकि y यहाँ पर अंडर रूट x है। साथ ही हमें मिलेगा इसको हल करके 1/2 अंडर रूट 36, क्योंकि x का मान 36 था, का गुणन 0.6, जो कि मिलेगा बराबर 0.05 के। आगे देखते हैं दोस्तों, इस प्रकार से हमें अंडर रूट 36.6 का सन्निकटन मान मिलेगा 6 प्लस 0.05, जो कि हो जाएगा 6.05 के बराबर। चलिए अब हम एक और उदाहरण करते हैं दोस्तों। एक गोले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर मापी जाती है, जिसमें 0.03 सेंटीमीटर की त्रुटि है। इसके आयतन के परिकलन में सन्निकटन त्रुटि ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों इसे हल करते हैं। मान लीजिए कि गोले की त्रिज्या आर है और इसके मापन में त्रुटि डेल्टा आर है। साथ ही दोस्तों आर बराबर है 9 सेंटीमीटर और डेल्टा आर बराबर है 0.03 सेंटीमीटर। अब गोले का आयतन यदि मैं V से दिखाऊं तो V बराबर है 4/3 पाई आर क्यूब, यानी दोस्तों अगर हम डी वी बटा डी आर निकालें तो वह हमें मिलेगा 4 पाई आर स्क्वायर। इसलिए दोस्तों डी वी हो जाएगा
डीवी बटा डीआर का गुणन डेल आर से, जो कि हो जाएगा बराबर 4 पाई आर स्क्वायर का गुणन डेल आर से। और इसे जब हम हल करेंगे, यानी हम आर और डेल्टा आर का मान इसमें रखेंगे, तो हमें मिलेगा 4 पाई 9 स्क्वायर का गुणन 0.03 से। और हमें आयतन के परिकलन में सन्निकटन त्रुटि मिल जाएगी 9.72 पाई सेंटीमीटर क्यूब। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उच्चतम और निम्नतम, यानी मैक्सिमा एंड मिनिमा। दोस्तों आपके सामने दो आलेख दिए गए हैं। हम एक फलन के आलेख के वर्तन बिंदुओं यानी टर्निंग पॉइंट्स को ज्ञात करेंगे, और इस प्रकार उन बिंदुओं को ज्ञात करेंगे जिनके आलेख स्थानीय अधिकतम या न्यूनतम पर पहुंचता है। साथ ही दोस्तों हम एक फलन का निरपेक्ष उच्चतम मान यानी एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉइंट और निरपेक्ष न्यूनतम मान यानी एब्सोल्यूट मिनिमम पॉइंट भी ज्ञात करेंगे, जो कोई अनुप्रयुक्त समस्याओं को हल करने में आवश्यक होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम एक परिभाषा देखते हैं कि मान लीजिए अंतराल आई में एक फलन एफ परिभाषित है, तब एफ का उच्चतम मान आई में होता है यदि आई में एक बिंदु सी का अस्तित्व इस प्रकार है कि एफ ऑफ सी बड़ा या बराबर है एफ ऑफ एक्स से, जहां एक्स हर एक्स आई अंतराल से आ रहा है। साथ ही दोस्तों एफ ऑफ सी को आई में एफ का उच्चतम मान कहते हैं, और बिंदु सी को आई में एफ के उच्चतम मान वाला बिंदु कहा जाता है। जैसे आपके सामने ये आलेख है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस वक्र में सी पॉइंट पर एफ ऑफ सी का अधिकतम मान मिल रहा है, तो इसे हम एफ ऑफ सी में कहेंगे कि यह हमें उच्चतम मान मिला है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसी तरह दोस्तों मान लीजिए एक अंतराल आई में फलन एफ परिभाषित है, तो एफ का निम्नतम मान आई में होता है यदि आई में एक बिंदु सी का अस्तित्व इस प्रकार है कि एफ ऑफ सी छोटा या बराबर है एफ ऑफ एक्स से, जहां एक्स आई अंतराल से आ रहा है। इसमें भी एफ ऑफ सी को आई में एफ का निम्नतम मान कहते हैं, और बिंदु सी को आई में एफ के निम्नतम मान वाला बिंदु कहा जाता है। जैसे कि आप इस आलेख में देख सकते हैं दोस्तों, पॉइंट या बिंदु एक पर इस फलन का आपको सबसे निम्नतम मान मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसी तरह मान लीजिए एक अंतराल आई में एक फलन एफ परिभाषित है, तब आई में दोस्तों एफ एक चरम मान यानी एक्सट्रीम वैल्यू रखने वाला फलन कहा जाता है यदि आई में ऐसे बिंदु सी का अस्तित्व इस प्रकार है कि एफ ऑफ सी यानी एफ का उच्चतम मान अथवा निम्नतम मान दोनों है। इस स्थिति में एफ ऑफ सी आई में एफ का चरम मान कहलाता है और बिंदु सी एक चरम बिंदु कहलाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हमारे पास एक उदाहरण है। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स दिया है एक्स स्क्वायर, जहाँ एक्स आ रहा है आर से, यानी इस फलन एफ के उच्चतम और निम्नतम मान यदि कोई हो तो हमें ज्ञात करने हैं। इस प्रकार से हम दोस्तों इसका आलेख दे सकते हैं, यानी एक्स स्क्वायर का यदि हम ग्राफ बनाएं तो हमें इस प्रकार से मिलेगा। अब इसे हल करने पर दोस्तों एफ ऑफ एक्स का मान अगर हम शून्य रखते हैं तो यह कब होगा, जब एक्स का मान शून्य होगा, यानी एफ ऑफ एक्स बड़ा होगा या बराबर होगा शून्य के सारी एक्स के लिए जो आर से आएंगे। इसलिए एफ का निम्नतम मान शून्य रहेगा, और एफ के निम्नतम मान का बिंदु होगा एक्स बराबर शून्य। इसके अतिरिक्त दोस्तों आलेख से हम देख सकते हैं कि फलन एफ का कोई उच्चतम मान नहीं है, अतः आर में यानी वास्तविक संख्याओं में एफ के उच्चतम मान का बिंदु नहीं है। तो आशा करती हूँ दोस्तों आपको यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, जीव विज्ञान की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज भी हम आपके अध्याय वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत का आखिरी अंश पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने लिंग निर्धारण
और उत्परिवर्तन को पढ़ा था। इस वीडियो में हम आनुवंशिक विकारों को समझेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये आनुवंशिक विकार होते क्या हैं? एक आनुवंशिक विकार जीनों में बनने वाली एक या एक से अधिक असामान्यताओं के कारण होने वाली समस्या है। अधिकांश आनुवंशिक विकार काफी दुर्लभ हैं और कई हजारों या लाखों में एक व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। आइए दोस्तों अब वंशावली विश्लेषण यानी कि पेडिग्री एनालिसिस को समझते हैं। ये मानव आनुवंशिक विकारों का अध्ययन करने की एक विधि है। अब दोस्तों मानव भी वंशगति के सिद्धांतों का पालन करते हैं, लेकिन मेंडल के एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पर नहीं कर सकते। इसके कारण है जैसे कि मानवों में नियंत्रित क्रॉस करवाना संभव नहीं है, मानवों में संतानों की संख्या छोटी होती है। सरल शब्दों में अगर मैं कहूँ, वंशावली एक वंश वृक्ष की तरह होती है जिसमें कि कई सारी पीढ़ियां दिखाई जाती हैं और उनका हम विश्लेषण करते हैं। अब दोस्तों इससे हमें जेनेटिक काउंसलर्स बता सकते हैं कि पैदा होने वाली संतति में ये सारे विकार होने की संभावना है या नहीं है, और अगर है तो कितनी है। अब दोस्तों वंशागति विश्लेषण करने के लिए हम कुछ प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ये प्रतीक हम नर के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये प्रतीक मादा को दिखाता है, और ये प्रतीक उन व्यक्ति को दिखाता है जिनका लिंग का उल्लेख नहीं किया गया है। ये सारे प्रतीक प्रभावित व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये मैथुन को दिखाता है ये वाला प्रतीक, और ये प्रतीक रिश्तेदारों के बीच मैथुन यानी कि समरक्त मैथुन को दिखाता है, और ये वाला प्रतीक हमें जनक और संतति को दिखाता है जिसमें कि जनक ऊपर है और संतति नीचे है बाएं से दाएं जन्म के अनुसार, और ये वाला प्रतीक भी जनक और संतति को दिखाता है जिसमें कि जो नर शिशु यहाँ पर दिखाया हुआ है वो बीमारी से प्रभावित दिखाया हुआ है, और ये वाला प्रतीक पांच प्रभावहीन संततियों को दिखाता है। दोस्तों वंशावली विश्लेषण में आपको सिर्फ अभी तक सिर्फ इतना ही याद रखना है। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि इसमें से आपसे कैसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ऑटोसोमल डोमिनेंट को समझते हैं। अब ये क्या चीज है, चलो इसको देख लेते हैं। अब जैसा कि आपको पता ही है कि क्रोमोसोम के 23 जोड़े होते हैं, और इनमें से जो 22 जोड़े होते हैं उनको हम ऑटोसोम कहते हैं, और जो 23वां जोड़ा है उसको हम लिंक क्रोमोसोम कहते हैं। लेकिन अगर ये ऑटोसोम के कारण अगर कुछ विकार किसी व्यक्ति में आ जाते हैं तो उसे हम ऑटोसोमल विकार कहते हैं, जिसका पहला प्रकार है ऑटोसोमल डोमिनेंट। अब इसको हम समझ लेते हैं। प्रत्येक कोशिका में जीन की एक उत्परिवर्तित प्रतिलिपि एक व्यक्ति को ऑटोसोमल डोमिनेंट विकार से प्रभावित होने के लिए पर्याप्त है। कुछ मामलों में एक प्रभावित व्यक्ति को यह प्रभावित स्थिति माता पिता से विरासत में मिलती है। दूसरों में यह विकार जीन में एक नए उत्परिवर्तन से हो सकती है, और उन लोगों में हो सकती है जिनके परिवार में विकार का कोई इतिहास नहीं है। अब इसको अच्छे से समझने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो प्रभावित पिता के पास उत्परिवर्तित डोमिनेंट जीन है, और हमने इससे पहले पढ़ा था कि एक ही जीन संतति को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त है। तो इस बात से हम कह सकते हैं कि 50% संभावना है कि संतति ऑटोसोमल डोमिनेंट विकार के साथ हो, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम ऑटोसोमल विकार का अगला हिस्सा ऑटोसोमल रिसेसिव को समझेंगे। ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन वाले व्यक्ति के माता पिता में प्रत्येक के पास उत्परिवर्तित जीन की एक प्रतिलिपि होती है, लेकिन वे आमतौर पर ऑटोसोमल रिसेसिव विकार के लक्षण नहीं दिखाते हैं। आमतौर पर प्रभावित परिवार की हर पीढ़ी में ऑटोसोमल रिसेसिव विकार नहीं देखा जाता है। अब इसको समझने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर मैंने कैरियर पिता और कैरियर माँ को यहाँ पर दिखाया हुआ है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव जीन को कैरी कर रहे हैं, इसलिए मैंने कैरियर लिखा है यहाँ पर।
इनके पास है वो, पर ये कोई लक्षण नहीं दिखा रहे हैं। तो इसमें कुछ संभावनाएं हो सकती है, जैसे कि संतति अप्रभावित भी हो सकती है, कैरियर भी हो सकती है और प्रभावित भी हो सकती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये चीज़ डिपेंड करती है कि उनके पास जीन कौन सा आया है। और आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पर जो कैरियर होंगे वो ये लक्षण ऑटोसोमल रिसेसिव विकार के लक्षणों को नहीं दिखाएंगे। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और आनुवंशिक विकारों को थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। अब दोस्तों आपको पता ही होगा कि कोशिका में क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि गुणसूत्र, और क्रोमोसोम के पास डीएनए होता है और डीएनए में जीन होते हैं। तो मानवों में आनुवंशिक विकारों का कारण बदले हुए जीन या गुणसूत्रों की वंशागति पाया गया है। अब ये विकार दो प्रकार के होते हैं, पहला है मेंडेलीय विकार और दूसरा है क्रोमोसोमीय विकार। अब इनको एक एक करके समझेंगे हम। सबसे पहले मेंडेलीय विकार को समझ लेते हैं। मेंडेलीय विकार वे होते हैं जो एकल जीन के रूपांतरण या उत्परिवर्तन से मुख्यतया निर्धारित हो जाते हैं। ये विकार जनक से संतति में मेंडेलियन सिद्धांतों को पालन करते हुए जा सकते हैं, और इन विकारों को हम वंशावली विश्लेषण से पता लगा सकते हैं। आइए अब इन्हीं में से एक विकार को हम ले लेते हैं, जिसका नाम है दात्र कोशिका अरक्ता, यानी कि सिकल सेल एनीमिया। अब दोस्तों जो लोग इस विकार के साथ होते हैं उनमें लाल रक्त कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं और सिकल यानी कि हंसिए के आकार की हो जाती है। बोन मैरो एनीमिया से बचने के लिए और ज्यादा ये लाल रक्त कोशिकाएं बनाता है, मगर वो काफी नहीं होती है। अब इनके सिकल के आकार के होने की वजह से इनके आने जाने में दिक्कत हो जाती है, जिससे कि रक्त वाहिकाओं में जाम लग जाता है, जिस कारण ऑक्सीजन अच्छे से कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाती है। अब दोस्तों ये विकार इस एलील के एक जोड़े से नियंत्रित होता है। इसके तीन संभावित जीनोटाइप हैं, HbA-HbA, HbA-HbS और HbS-HbS। जिनके पास HbS-HbS वाले एलील आएंगे वो सिकल सेल एनीमिया दिखाएंगे, जिनके पास HbA और HbS एलील होंगे वही आमतौर पर इसके लक्षण नहीं दिखाएंगे, मगर वो कैरियर होंगे। तो इसका मतलब है कि 50% संभावना है कि वो आने वाले संतति में सिकल सेल एनीमिया कर दें। और जिन व्यक्तियों के पास HbA-HbA एलील होगी वो सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित नहीं होंगे। आइए दोस्तों अब अगले मेंडेलीय विकार फिनाइल कीटोनूरिया को समझते हैं। अब आमतौर पर क्या होता है दोस्तों कि फिनाइल एलेनिन, जो कि एक अमीनो अम्ल है, ये टायरोसिन में बदलता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति फिनाइल कीटोनूरिया से ग्रसित होगा तो जो एंजाइम फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में बदलता है वो वहां पर नहीं होगा, जिसके कारण फिनाइल एलेनिन जमा होगा और वो बदल जाएगा फिनाइल पायरोविक अम्ल तथा अन्य व्युत्पन्नों में। बाद में ये शरीर के दिमाग वाले हिस्से में जमा होने लगते हैं, जिससे कि मानसिक दुर्बलता हो जाती है। आइए दोस्तों अब क्रोमोसोमीय विकारों को समझ लेते हैं। एक या अधिक क्रोमोसोम की अनुपस्थिति अधिकता या असामान्य विन्यास क्रोमोसोमीय विकारों के कारण होते हैं। अब इन विकारों को समझने से पहले हम एक चीज को समझेंगे, जिसे हम कहते हैं असुगुणिता, यानी कि एन्यूप्लॉइडी। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिड के विसंयोजन की अनुपस्थिति के कारण एक क्रोमोसोम की अधिकता या हानि हो जाती है, इसे असुगुणिता यानी कि एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। अब इसको समझने के लिए हम एक मानव की यूकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण ले लेते हैं। अब इसमें आमतौर पर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन अगर एन्यूप्लॉइडी वाली कंडीशन होगी तो उसमें 45 या 47 क्रोमोसोम होंगे। आइए दोस्तों अब बहुगुणिता यानी कि पॉलीप्लॉइडी को समझ लेते हैं। कोशिका द्रव्य विभाजन ना हो सकने के कारण
क्रोमोसोम का एक पूरा समुच्चय अधिक हो जाता है, इसे बहुगुणिता यानी कि पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। अब आमतौर पर क्या होता है कि हैप्लॉइड और डिप्लॉइड कोशिकाएं होती हैं, यानी कि अगुणित और द्विगुणित होती है, यह सामान्य कंडीशन में होता है। लेकिन अगर पॉलीप्लॉइडी होगा तो ट्रिप्लॉइड और टेट्राप्लॉइड कोशिकाएं भी होंगी। आइए दोस्तों अब डाउन सिंड्रोम को समझते हैं। अब दोस्तों इस सिंड्रोम में 21वें क्रोमोसोम पर एक अतिरिक्त प्रतिलिपि आ जाती है। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर 21वें जो जोड़ा है वहां पर तीन क्रोमोसोम्स हो गए हैं। इसको हम 21 की त्रिसूत्रता भी कहते हैं। अब दोस्तों जो व्यक्ति डाउन सिंड्रोम के साथ होगा वो छोटे कद का, छोटे गोल सिर वाला होगा, जिसकी जीभ में खांच होगी और मुंह आंशिक रूप से खुला होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। आइए दोस्तों अब क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम को समझ लेते हैं। अब दोस्तों इस विकार में क्या होता है कि एक अतिरिक्त एक्स क्रोमोसोम की प्रतिलिपि आ जाती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिससे कि कोशिकाओं के अंदर 47 गुणसूत्र हो जाएंगे। और कैरियोटाइप का यहाँ पर मतलब है कि ऐसे कुछ क्रोमोसोम्स को दिखाना है, जैसा कि आप इस यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं। अब इसमें कुछ लक्षण भी होंगे, जैसे कि पुरुष में मादा लक्षण दिखने लगेंगे, जैसे कि गायनोकोमास्टिया, और ऐसे पुरुष बांझ होंगे। आइए दोस्तों अब टर्नर सिंड्रोम को समझ लेते हैं। अब इस विकार का कारण एक एक्स क्रोमोसोम का अभाव होता है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर 45 क्रोमोसोम की स्थिति हो जाएगी और ऐसी नारी बांझ होती है। तो ये चीज आप सभी को याद रखनी है। और दोस्तों यहाँ पर आपका अध्याय वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत खत्म होता है। इस वीडियो में हमने आनुवंशिक विकारों को समझा, जिसमें कि हमने कई सारे विकारों को देखा। और दोस्तों मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहता हूँ कि आज हमने आपकी एनसीईआरटी किताब का ये टॉपिक खत्म कर दिया है। आप इसको जरूर घर से किताब से पढ़कर आइएगा। अगली वीडियो में हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस का वीडियो देखेंगे इस अध्याय का, और जानेंगे कि आपसे परीक्षा में कैसे प्रश्न इस अध्याय में से पूछे जा सकते हैं। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आज के एपिसोड में जो भी पाठ आपको पढ़ाया गया हो आप उसे अच्छे से समझ पाए होंगे। यदि कोई सवाल आपके मन में आया हो तो उसे उन्नयन ऐप पर आप पोस्ट करके अपने जवाब को जान सकते हैं, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए ईमेल आईडी पे। एक आवश्यक सूचना, यह वीडियो बीपीसी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। वेबसाइट नोट कर लीजिए बच्चों, www.bepcssa.in। जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो डिजिटल लर्निंग वाले सेक्शन में जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले एपिसोड में कुछ और रोचक पाठ के साथ। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।